हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सीखेंगे एक एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर जो हमें मदद करेगा इन तरीके के सेंटेंस को बनाने के लिए। जैसे हमें कहना है, कुछ दिनों से वो परेशान था, कुछ दिनों से नहीं बोल रही थी, कुछ दिनों से मुझे अच्छा लग रहा है, कुछ दिनों से वो नहीं आ रहा है। अक्सर हम इन तरीके के सेंटेंस नहीं बना पाते, तो इस लेसन में आज मैं आपको सिखाऊंगा इन तरीके के सेंटेंस को बनाने के लिए। तो इसी के लिए हम इस्तेमाल करेंगे फॉर द लास्ट फ्यू डेज। फॉर द लास्ट फ्यू डेज यानी कुछ दिनों से। स्ट्रक्चर देखिए, फॉर द लास्ट फ्यू डेज प्लस सेंटेंस। एग्जांपल देखिए, कुछ दिनों से वो परेशान था। फॉर द लास्ट फ्यू डेज ही वॉज अपसेट। फॉर द लास्ट फ्यू डेज ही वॉज अपसेट। कुछ दिनों से नहीं बोल रही है। For the last few days, she is not talking to you. For the last few days, she is not talking to you. कुछ दिनों से तुम मुझे अनदेखा कर रही हो. For the last few days, you are ignoring me. For the last few days, you are ignoring me. कुछ दिनों से वो नहीं आ रहा है. For the last few days, he is not coming. For the last few days, he is not coming. कुछ दिनों से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. For the last few days, I'm not feeling well. For the last few days, I'm not feeling well. कुछ दिनों से मैं उससे नहीं बोल रहा हूँ. For the last few days, I'm not talking to him. For the last few days, I'm not talking to him. कुछ दिनों से मुझे अच्छा लग रहा है. For the last few days, I am feeling well. For the last few days, I am feeling well. कुछ दिनों से मैं यहीं पर हूँ. For the last few days, I am here. For the last few days, I am here. तो यहाँ थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें हिंदी इंग्लिश सीखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।